बीच बाजार में युवक पर चाकू के बार और गोली चलाकर की हत्या। घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल। दमोह में शनिवार की शाम शहर में अचानक अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। बताया गया है कि राधा रमण मंदिर के पास कल्लू रेकवार नामक युवक की गोली मारकर और चाकू से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना के बाद घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कल्लू रेकवार को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही घटना की खबर पुलिस को लगी तो देहात थाना और कोतवाली टीआई समेत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह भी जिला अस्पताल पहुंच गए। भारी भीड़भाड़ के बीच जिला अस्पताल में पुलिस का जमावड़ा भी देखा गया। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्लू रेकवार पर तीन लोगों ने गोलियां चलाई और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हाँ, एक गोलीकांड का मामला, गंभीर मामला सामने आया, जिसमें कल्लू रेकवार नाम के एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी। प्राथमिक तौर पर तीन या चार लोगों का जिक्र आया, जिसमें तीन लोगों के नामों का खुलासा परिजनों द्वारा, उनके साथियों द्वारा किया गया है। और ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पार्टी भेज दी है। और ये घटना गंभीर किस्म की है और मृतक को गोली से और चाकू से भी चोटें पहुँचाई गई हैं, जो उनके बाह में, पीठ में और सिर के पास चोटें पहुंची हैं, जिससे उनकी मृत्यु हुई। सर, आरोपियों की पहचान हो गई? हम बताएं ना कि तीन लोगों के नाम क्लियर हो गए, बाकी जो भी परिजनों के हिसाब से जो भी जानकारी होगी, जो भी सच्चाई के आधार पर जो भी आरोपी बनेंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और साथ ही साथ इसके पीछे भी कोई अन्य बिंदु इन्वॉल्व है या अन्य कोई चेहरा इन्वॉल्व है, उसका भी खुलासा करेंगे।